तो हेलो दोस्तों, आ गए हैं आज के एक और नई वीडियो लेकर। तो आज के इस वीडियो में हम आपको टॉप 10 हॉरर गेम देने वाले हैं। तो आपको हॉरर गेम अच्छे लगते हैं तो ज़रूर देखिए। तो चलिए गेम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हॉरर गेम का नाम है, आप देख सकते हैं, रेसिडेंट एविल 2, जो ये बहुत हार्ड गेम है। अगर आप मतलब हाई फिल्म जैसा हॉरर फिल्म जैसा फील लेना चाहते हैं तो आप इसको ज़रूर प्ले कर सकते हैं। ये एकदम फिल्म वाला आपको फील देगा। आप देख सकते हो यहाँ पे इसका गेम प्ले कितना हार्ड है। अगर आपको मतलब आप होशियार हैं, दिल छोटा आपका नहीं है, बड़ा दिल है, मजबूत दिल है, तो आप इसको ज़रूर प्ले करिए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, और नेक्स्ट में इससे भी बवाल है। नेक्स्ट का नाम है, आप गाइस देख सकते हो, इविल नन स्क्वायर हीरो, मतलब इविल नन। इसमें क्या होता है, ये भी एक बहुत ख़तरनाक गेम है। ये मतलब इसमें आपको एक स्कूल में बंद कर दिया जाता है, और आपको उसमें से मतलब कुछ कुछ सामान, जैसे कुछ कुछ सामान खोज कर उसमें से निकलना रहता है। इस स्कूल से कैसे भी आपको स्किप करना है। तो आप हमको नहीं पता है आप कैसे स्किप करिएगा, बस बहुत हार्ड हो जाता है स्किप करना। तो आप लोग इसको भी ज़रूर प्ले करिएगा। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट का नाम है, आप गाइस देख सकते हो, एलाइन आइसोलेशन। इसमें क्या रहता है, इसमें बहुत सारे एलियंस रहते हैं, और क्या रहते हैं, एलियन मतलब वही एलियंस रहते हैं, भूत रहते हैं, वही सब रहते हैं। और आपको इस घर में से स्किप करना है या कुछ भी करना है, मतलब आपको इस घर में से निकलना है और एलियनों से फाइट करना है और ये गेम को विन करना है। मतलब इसमें आपको टॉप आना है और सब जो हो सके। इसमें आपको डरावने डराने सीन मिलेंगे, आप देख सकते हो यहाँ पे कितने खतरनाक एलियन है। तो आप लोग इसको एक बार ज़रूर प्ले कीजिएगा, और डर लगे तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में आता है हमारा, जो आप इसे कौन नहीं जानता, इसका नाम है ग्रैनी। इसको अभी के डेट में कौन नहीं जानता, इसको अभी के डेट में सब कोई जानता है, जिसका नाम है ग्रैनी। तो आपको इसमें क्या रहता है, इसमें एक घर में बंद कर दिया जाता है, और इसमें आपको सामान मतलब ऑब्जेक्ट कुछ खोज कर इस घर में से निकलना रहता है, कैसे भी निकलना है। तो आप लोग ज़रूर इसको प्ले करिएगा, ये भी एविल नन की ही तरह है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट का नाम है, आप देख सकते हो यहाँ पे पैसिफाइड। इसमें क्या रहता है, इसमें आपको मतलब एक छोटा सा बच्चा मिलेगा, मतलब इसमें छोटा बड़ा पता नहीं कौन बच्चा, मतलब आपको इसमें भी एक घर में बंद कर दिया जाता है, और इस घर से आपको क्या करना है, हॉरर सीन से स्किप करना है। तो आपको इसको भी एक बार ज़रूर प्ले कीजिएगा। नेक्स्ट में हमारा आता है, गाइस देख सकते हैं, साइलेंट हॉल 2। ये मतलब एक और ये हॉरर गेम है, जिसमें आपको एक हॉल दिया जाता है, मतलब एकदम साइलेंट हॉल दिया जाता है। इस गेम का भी नाम है साइलेंट हॉल 2, मतलब इसमें हॉल रहता है और उसमें आपको बंद कर दिया जाता है, और आपको इस हॉल में से कैसे भी करके स्किप करना, और जो पहले स्किप करेगा मतलब वो विन हो जाएगा। तो ये बहुत हार्ड हो जाता है, बहुत टफ हो जाता है स्किप करना। चलिए नेक्स्ट में आता है हमारा आउटलास्ट। इसमें क्या होता था, इसमें एक घर मिला रहा था और आपको इस घर में बंद कर दिया जाता है, मतलब सेम यही वाला गेम है। मतलब कुछ सारे गेम में से कुछ अलग अलग है, मतलब कुछ में बंद कर दिया जा रहा है, कुछ में छोड़ दिया जा रहा है, कुछ में आपको सामान खोजना पड़ा है, कुछ में चीज़ खोजना पड़ा। मतलब इसमें आप पजल मिलेंगे, आपको पजल सॉल्व करना है, और इस घर में से कैसे भी स्किप करना है, कुछ सामान उमान ग्रैनी की तरह स्किप करना है। तो ये भी बहुत हार्ड गेम हो जाएगा, तो एक बार ज़रूर प्ले कीजिएगा। नेक्स्ट में हमारा आता है, आप देख सकते हैं, लिटिल नाइट मासेस। मतलब इसमें क्या, इसमें एक छोटा सा लिटिल रहता है और उसको भी एक घर में बंद कर दिया जाता है, और इसमें अजीबोगरीब पजल मिले रहते हैं, और हॉरर मतलब भूत उत रहते हैं, और आपको वो सारे पजल को सॉल्व कर उसमें से जितने भी डैन हैं उनसे लड़ाई कर आपको इस घर में से स्कीप करना है। तो आप लोग इसको एक बार ज़रूर प्ले कीजिएगा। नेक्स्ट में हमारा आता है सबसे बवाल गेम, जिसका नाम है डेड ऑफ डे नाइट। मतलब इसमें साफ लिखा है कि आपका मौत दिन में होगा। मतलब इसमें क्या, इसमें आपको एक दिन में रहना है, और दिन में ही बहुत सारे भूत आएंगे, हॉरर सीन आएंगे, और आप लोगों को उसको लड़ना है, और यहाँ से इस जंगल में से मतलब स्किप करना, ओपन वर्ल्ड की तरह है। चलिए नेक्स्ट में हमारा आता है, देख सकते हैं, मेट्रो एक्सडोर्स। इसमें क्या रहता है, इसमें चिमगादड़ और सब जितने हो सके जानवर और सब जो पिक्चरों में गेम रहते हैं, मतलब जो पिक्चरों में सीन रहते हैं, वो सारे इस गेम में सीन आपको मिल जाएंगे। अगर आपको पिक्चर की तरह गेम चाहिए तो ये वाला गेम बेस्ट है, और ये गेम दिन पे अवेलेबल, मतलब इसमें रात नहीं होता है, होता भी है तो पता नहीं है, लेकिन ये गेम बहुत बेस्ट है। आप लोग इसको सारे गेम को छोड़कर इसको ज़रूर प्ले कर लीजिएगा, ये गेम बेस्ट है। तो चलिए आज का ये गेम हम यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आज का ये गेम आपको अच्छे लगे होंगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक